हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो भाई आप बोलोगे समर भाई इतना स्पीड में कैसे है, क्योंकि भाई साहब आज हम काफी मस्त और धांसू स्पीड वाला जुगाड़ बनाने वाले हैं, जो भाई साहब आपके बाल उड़ा देगा, साहब को टकला कर देगा। ये आपने देखा होगा, इसमें इसके ब्लॉग बनाया था भाई, ये एसी का ब्लॉग एयर कंडीशनर का। तो भाई आप इसकी हवा जानते हो गाइस कैसी मस्त हवा आती है, और गाइस आराम से 4-5 मीटर तक इस हवा फैस सकता है। तो भाई साहब आज का यूज करके धांसू एक एसी कूलर बना वाले हैं। गाइस आप एसी बना सकते हो, फैन बना सकते हो, कूलर बना सकते हो, आप कुछ भी इसका गाइस बना सकते हो, कुछ भी। और गाइस आज वीडियो काफी फास्ट फास्ट बनेंगे भाई साहब, बहुत मजा आएगा। आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है। चले गाइस फटाफट चलते हैं भैया अपने, हल्का बहुत गाइस टूट जाएगा। चलिए समर एक्सपेरिमेंट। हेलो भाई साहब, आपने इंट्रो देख लिया तो भैया हम करने के वाले, देखो इतना लंबा तो गाइस हम नहीं लेंगे। कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? तो गाइस हमेशा कट करेंगे, कट करके छोटे वेव बनाएंगे, आप अपने हिसाब से गाइस छोटा बड़ा बना सकते हो। चलो भाई साहब फटाफट में से कटिंग करता हूँ। वाह क्या काटा है। तो भाई मुझे इसे मजबूरी में कट करना पड़ा है, क्योंकि भाई साहब ये यहाँ से टूट रहा है, ये इसका एक फिंस गायब है या एक ब्लेड इसका टूटा हुआ है, वरना गाइस मैं यहाँ से कट करता। अब ये छोटा है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा ठीक रहेगा, मजा भी आएगा। चलिए वाह देखो भाई साहब कमाल हो गया, ये भाई मजबूत है। हमने कहा इस काटे कुछ इस हिसाब से, जैसे भाई साहब ये यहाँ से सेफ रहे। देखो भाई इसकी वजह नहीं है, अब हमें ये चाहिए भाई, और इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है। जो बात है अगर भाई इसकी हम लेंथ देखें, इसकी लेंथ है भाई 6 इंच, और इसकी आप चौड़ाई भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत लगभग भाई 4.25 इंच। हाँ तो भाई साहब अब आया असल मजा। देखो भाई ये बिल्कुल प्लेन यहाँ से भाई, बिल्कुल गाइस चिकनी होगी, बिल्कुल प्लेन। चलो भाई फटाफट इसे वॉश कर लेते हो गाइस, ये काफी भाई गंदा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर डस्ट लगी पड़ी है, जिसका गाइस होती है। तो भाई पहले मैं तो साफ कर लेता हूँ, फिर भाई पहले हम इसी पर काम करेंगे, उसके बाद गाइस इसकी बॉडी वोडी पर आएंगे। और भाई इसमें काफी हैवी गाइस मोटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस ये काफी भारी एक प्रोपेलर कह सकते हैं ब्लोअर। चलो भाई पहले फटाफट से वॉश कर लेते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो ले जाए गाइस ये भाई बिल्कुल मस्त साफ हो चुका है। अब भाई से मैंने ये दो सर्कल कट किए हैं पीवीसी पाइप को, गाइस ये काफी अच्छी क्वालिटी का पीवीसी पाइप है, हल्का क्वालिटी का गाइस मत लेना। तो भाई मैं इसका मुंह बंद कर दूंगा जैसे गाइस था। तो भाई साहब दोनों माहौल कर दिया है, फटाफट भाई ने चिपकाते हैं। तो लीजिए गाइस ये हो गया भैया मस्त बिल्कुल कंप्लीट, दोनों तरफ गाइस मैंने अच्छे चिपका दिया है। अब गाइस इस पर हमें काफी सारे काम करने हैं। पहला गाइस मैंने के लिए एक 8 इंच की शाफ्ट, 6 mm मोटी है, 8 इंच की लेंथ है, और गाइस ये इसके अंदर भैया ऐसे देखो बैलेंस, देखो गाइस मस्त। तो गाइस बैलेंस बिल्कुल मस्त है, जो बात है यही होना चाहिए। तो चले भाई फटाफट इसे भी लगाते हैं। तो भाई ये तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, इस पर हम काला पेंट कर देंगे बाद में, जिस तरह इससे बिल्कुल मैच हो जाए। तो भैया अब इसकी बॉडी बनाते हैं, क्योंकि भाई साहब सूखने में आधा घंटा तो लग जाएगा, ये जो बोन टाइट है आधा घंटा ले जाती है सूखने में, ठीक है। चल भाई फटाफट इसकी बॉडी बनाते हैं। हाँ तो भाई साहब ये रे भैया कबाड़ में से लाई हुई शीट, और भाई इसकी बॉडी है गाइस का फ्यूचर डिसाइड करी कि भाई ये क्या बनेगा बड़ा होकर, ठीक है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो गाइस यहाँ से वीडियो स्टार्ट होगी, प्लीज दोस्तों देखते रहिए। हाँ तो भाई साहब दोनों बिल्कुल भाई कंप्लीट हो चुके हैं, बस अभी गाइस मैंने कलर नहीं किया है, तो भाई इसमें थोड़ा सा ये अलग डिजाइन से लगेगा, दिक्कत गाइस लगाने की है, ठीक है भाई। हम इसे किस तरह से लेंगे, भाई साहब ऐसे लेंगे, देखो ये ऊपर की साइड रहेगा, खैर वो हम बाद में चेंज कर सकते हैं। तो भाई साहब हमें कुछ अब इम्पोर्टेंट सामान चाहिए, जिससे गाइस हम इसकी फिटिंग कर सके और गाइस इसे चला सके। तो भाई देखो मेरा वीडियो लंबा करने का मकसद नहीं है, ठीक है गाइस फटाफट अभी मैं सामान पर आता हूँ, जिससे गाइस इसके अंदर जो लगेंगे वो मैं आपको दिखा सकूँ। भाई हमने शाफ्ट पहले ले ली थी, तो गाइस यहाँ पर दो बैरिंग ले रहा हूँ, शाफ्ट गाइस 6 mm मोटी थी, तो भाई देखो बैरिंग का जो होल है गाइस वो भी 6 mm मोटा ही है, यानी कि इसके बराबर ही है। अब गाइस डायमीटर बड़ा या छोटा हो सकता है बैरिंग का, लेकिन गाइस अंदर का जो एरिया होगा वो आप जो भी शाफ्ट लगाओ उसके बराबर ही लगाना, आपको आसानी रहेगी। तो गाइस ये दो बैरिंग है मेरे पास, जिससे भाई साहब ये जो पूरा पूरा रोलर है या ब्लोअर है पूरा गाइस ये आराम से घूम सके बैरिंगों से, बहुत मस्त घूमेगा भाई, मजा आ जाएगा जो बात है। इसकी लाइफ भी काफी रहती है बैरिंग, आपको बता दे, ठीक है। देखो भाई साहब
अब इसे बड़ा घुमा देगा। और भाई आप जानते हैं काफी भारी है, तो भाई इसके लिए हमें 775 हैवी मोटर ही लगाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर मैं 775 मोटर ले रहा हूँ। दो तरह का इस मेरे पास मोटर है, एक बैरिंग वाला है और भाई एक है बुश वाला। तो गाइस कोई भी आप ले सकते हो, मैं बुश वाला ले रहा हूँ क्योंकि इसके यहाँ पर थ्रेडिंग बनी हुई, चूड़ी बनी हुई, तो गाइस इस पर दिक्कत होगी लगाने पर। तो भाई मैं प्लेन शाफ्ट वाला ले रहा हूँ। और भाई इस बार आता है काफी इंपॉर्टेंट सामान। वैसे गाइस आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हो, लेकिन भाई ये ऑप्शन काफी मस्त है। तो वैसे यही कुछ बेल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बेल्ट है, टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग पुली। तो वैसे यहाँ पे पुली है अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की है। ये गाइस होते तीत के हिसाब से आती है, जैसे गाइस इनका तीत होगा। तो भाई काफी सारी मेरे पास पड़ी गाइस, तो आप जानते हो भाई मैं तो एक टी लेकर आ जाता हूँ। तो गाइस फिर भी यहाँ पर मैं छोटी बेल्ट यूज करूंगा, एक बड़ी और एक छोटी, थोड़ी सी बड़ी, वरना गाइस मोटर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है। स्पीड तो गाइस बढ़ जाती है, लेकिन भाई वो ज्यादा एम्पल नहीं लगता, गाइस मोटर खराब होने के चांस रहते हैं। तो भाई आप चाहो तो बिल्कुल इक्वल ले सकते हो, या गाइस थोड़ी सी बड़ी। तो भाई मैं थोड़ी सी बड़ी ले रहा हूँ, देख सकते हो इससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस मोटर से ज्यादा बड़ी नहीं निकलनी चाहिए। देखो मोटर से काफी छोटी है इस तरीके से, इतनी बड़ी ले लो आप। तो गाइस आप ये वाली लगा लो, देखो भाई इसके लिए भाई आपको देखो लग तो गाइस ये भी जाएगी। देखो भाई ये जो है ना, फिर मोटर को मैं अलग से जुगाड़ करके लगाना पड़ेगा। वाह, तो भाई मैं कौन से लेने वाला था, मैं भूल गया। तो दोस्तों प्लीज ज्यादा बड़ा गैप मत लेना, ज्यादा बड़ा तीत रेशियो मत लेना, या तो गाइस आप बिल्कुल बराबर के लो, जिससे गाइस मोटर काफी वैसे फास्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बराबर ले सकते हो, चाहे गाइस थोड़ी सी बड़ी ले सकते हो। तो गाइस हम एक काम करते हैं, कन्फ्यूजन पैदा नहीं करते, दोनों बिल्कुल इक्वल तीत के लेते हैं। और भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और भाई एक बेल्ट, वैसे गाइस ये मार्केट से बनी हुई है, अगर आपको तो अपने हिसाब से बनानी हो तो गाइस ये अलग से भी आती है, आप इसे जोड़कर लगा सकते हो। देखिए भाई जॉइंट में मजा नहीं आता बिल्कुल भी, तो गाइस आप ये बिल्कुल कंप्लीट लेकर आए। तो भाई आपने तीन चीज देख ली, अगर गाइस आपको पुली का और बेल का झंझट नहीं पालना, तो भाई आप सीधा इस मोटर को डायरेक्ट इस शाफ्ट की जगह लगा सकते हो। लेकिन भाई इसमें काफी सारी दिक्कतें आएंगी। एक तो गाइस मोटर के शाफ्ट इतना अच्छे से चिपक नहीं पाती है, वो लूज कर जाती है। और दूसरी बात भाई ये कि आपको मोटर यहाँ लगाना पड़ेगा, इसे ऐसे लंबा बैठ जाएगा और भाई ये कूलिंग नहीं कर पाएगा। हम इससे गाइस यहाँ पर कूलिंग कर सकते हैं, कूलिंग इसमें जुगाड़ लगा सकते हैं, बहुत सारे जुगाड़ हो जाएंगे, इसलिए गाइस यहाँ पर आपको बेल्ट लगानी पड़ेगी। अगर आपको खाली फैन बनाना हो तो भाई साहब आप आराम से बस मोटर लगाइए डायरेक्ट और भाई से घुमा दीजिए, शक्तिमान बना दीजिएगा इसका इस तरीके से। लेकिन भाई हमें इसे फैन बनाना है और एसी कूलर भी बनाना है, यानी गाइस ये ठंडी हवा भाई देना चाहिए। चलो भाई साहब फटाफट इन सारी चीज को भाई इसके अंदर फिट करते हैं। तो लीजिए गाइस ये भाई काफी मस्त है, और भाई साहब ये उधम काटने वाला है। देखो भाई साहब यहाँ पर मैंने डबल शीट लगाई है, जिससे गाइस बैरिंग अच्छे से होल्ड हो सके यहाँ पर, और भाई इस पार्ट को मैंने चिपका दिया है परमानेंट, ठीक है। लेकिन भाई साहब इसे मैंने नहीं चिपका, यहाँ पर गाइस मैंने स्क्रू लगाए हैं, जिससे गाइस मैं इसे बाहर निकाल सकूं। और भाई ऐसे नहीं चलेगा ये, अभी गाइस में थोड़ा सा काम है। तो भाई पहला मुझे इसके अंदर एक ड्रॉ बनानी है, ड्रॉर, जिससे गाइस मैं इसे खींच के बाहर निकाल सकूं और भाई इसको अंदर फिट कर सकूं ड्रॉ को। तो चलो भाई साहब फटाफट इसकी ड्रॉर भी बनाते हैं।
तो गाइस इसे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बनाया है, देख सकते हो बॉस, थोड़ा सा अलग टाइप का ये है। ये भी नीचे है, मैं आपको एक बार लाके दिखाता हूँ। ये जो एरिया गाइस ये टकरा जाएगा मोटर से, इससे ज्यादा अंदर गाइस ये नहीं जाएगा, देखो ऐसे लगेगा, ठीक है। तो वैसे देखो ये एरिया भाई खुला रहेगा जिससे गाइस ये हवा ले सके, यहाँ से कूल हवा ले सके, वो आपको पता लग जाएगी बाद में। वैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से टैग उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, और भाई ये अंदर इससे ज्यादा अंदर नहीं जा पाएगा, ये मोटर है, सब कुछ गाइस फिट करके लगाया है। तो चलो भाई साहब अब फटाफट भाई इसे लगाते हैं और इसके ऊपर का कवच कवर लगाते हैं, फटाफट इसे कम्प्लीट करते हैं। उसके बाद भाई पेंट वेंट भी करना है, वो बाद में देखेंगे। 6 इंच का पाइप, क्या मस्त लग रही है बॉस, मजा आ गया। एक्सप्रेशन फेस गाइस ऐसा नहीं बना, लेकिन क्या कर गाइस मैं लड़की नहीं हूँ, लेकिन कुछ हद तक गाइस बन गया। अरे बाप रे, नहीं भाई साहब मैं आदमी हूँ भाई। देखो भाई साहब यहाँ पे क्या मस्त कलर लग रहा है बॉस, और भाई ये ऐसी लग रही जैसे भाई साहब गेहूं वाली मशीन आती है ना गेहूं निकालने की, ठीक है। तो काफी मस्त है, स्पीड कम बढ़ते आप कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर मैंने स्काई कलर रखा है भाई साहब, इसे उठाना है और इसके अंदर आपको ठंडा पानी रखना है, बर्फ रखना है, हवा गाइस ये यहीं से लेगा, यहीं से लेगा तो भाई ये हवा ठंडी ही देगा। और भाई आवाज करता अगर मैं ना लगाता देखो, तो भाई यहाँ से लॉक कर दो, अब ये निकलेगा नहीं, ठीक है। तो भाई साहब अब यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पे जो है ना उंगली आ सकती है, वैसे भाई इसके जो ब्लेड है वो मतलब ऐसे नहीं कि भाई मतलब वो काट देंगे, फिर भी भाई कोई बच्चा उंगली करे, क्योंकि हम भारतीय उंगली करने में सबसे आगे। तो भाई साहब यहाँ पे हमें जाली भी लगानी चाहिए, ठीक है। तो भाई चलिए लगा देते हैं, और भाई जाली में लेके भी आ गया हूँ, थोड़ा सा ट्रिक से लगानी पड़ेगी, ठीक है, घुमा घुमा के। तो भाई थोड़ी सी जोने मुझे घुमानी पड़ेगी, भाई थोड़ा मामला मैंने घुमा हुआ रखा, हाँ क्या मस्त घूमी है, क्योंकि भाई साहब ये जो ना देखो ओहो मजा आ गया भी जो बात है। चलो भाई साहब फटाफट से लगाते हैं, और भाई इस पर पेंट भी करेंगे काला, जिससे भाई इसका लुक और इन्हेंस हो जाएगा। हाँ तो भाई लोग काफी मस्त लग रही है जो बात है, चलिए भाई लगाते हैं फटाफट। हाँ तो भाई ये भैया बिल्कुल फिक्स लगाई है मैंने करके। हाँ तो गाइस अब बताइए भाई कैसा लुक आ रहा है, और भाई ये हवा बिल्कुल आपके चेहरे पर ही मारेगा। इस तरह मैंने इसे बनाया है कि भाई आप दुकान पर यानी कि शॉप पर इसे रख सकते हो, किचन में हो तो गाइस आप ऐसे रख सकते हो, क्योंकि गाइस हम खड़े होकर काम करते हैं किचन में, सॉरी मैं नहीं करता, आम करते भी हैं काफी, कभी गाइस मैगी भी बना लेते हैं। वैसे प्लीज दोस्तों अगर आप उसका लुक अच्छा रहा तो दोस्तों अभी फटाफट लाइक कर दीजिए और प्यार से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलो भाई अब फटाफट भैया इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो भैया ये चलेगा 12 वोल्ट से, इसमें लगाया हमने 775 डीसी मोटर, लेकर आ तो गाइस बैटरी। हाँ तो गाइस आपका भैया भाई आ गया है, चले गाइस फटाफट भैया इसे यहाँ रखते हैं, और गाइस 12 वोल्ट सॉकेट भाई ये रहा, ठीक है स्पीड कम कर लेते हैं, तो देखते हैं बॉस चलाकर। ओ हो भाई चल गया, मैं गाइस आपको पहले इसकी मतलब पहले मैं हवा खा के दिखाता हूँ गाइस कैसी है। एक्चुअली गाइस देखा जाए ना ये बोल्ट के जो हेड है ना ये थोड़ा सा डिसबैलेंस कर रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे मैं पायल लगाना भूल गया, छोटे छोटे लैग आते हैं। तो भाई माइक पर आपको हवा की आवाज़ आ जाएगी, क्या हवा आ रही है बॉस,
मस्त गाइस, काफी तेज, सॉरी आपको माइक के बाद, सॉरी गाइस आपको हवा के बाद आ रही होगी। तो गाइस काफी मस्त बाइस की हवा है, तो प्लीज दोस्तों आप भी बताइए इसकी हवा कैसी लग रही है। देखो बस मस्त भाई, वैसे उम्मीद नहीं गई इतनी अच्छी हवा दे गई, लेकिन भाई काफ़ी अच्छी हवाई दे रहा है। प्लीज दोस्तों अगर आपको हवा लग रही है उसकी तो दोस्तों डिसलाइक मार दो, मुझे पता हवा नहीं लग रही होगा इसमें लाइक मार दो। तो भाई सही स्पीड में अच्छी है और भाई आवाज़ भी नहीं कर रहा मस्त। देखो मैं बंद करता हूँ, देखो ये बंद हो गया। तो भाई साहब ये है अभी तक फैन, आप भाई इसका फैन की तरह यूज कर सकते हो। भाई अब इसे बनाना है एसी, ठीक है। तो भाई एसी बनाने के लिए बहुत सिंपल है भाई और बहुत इजी भी है, ठीक है। तो भाई साहब इसकी ट्रे निकालनी है आपको, और भाई साहब ये बर्फ़ लेना है, ठीक है। ये भैया बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े डालो, छोटे छोटे डालो गाइस, जैसी आपकी मर्जी, जगह गाइस कमी नहीं है, ठीक है। पूरा गाइस 250 गज का प्लॉट हमने इसमें बुक कर दिया है। देखा जाए यार बर्फ़ के क्यूब गाइस मैंने जमाए थे, लेकिन भाई अभी फ्रिज में यार मतलब कोई बर्फ रख नहीं रहा है, ठीक है। और गाइस मुझे पिटने का शौक नहीं, मुझे पिटने का शौक, चलो इतना इनफ है, आप और ही भर सकते हो। तो भाई साहब अब इसके अंदर कूलिंग रहेगी, इसके पूरे के अंदर गाइस बर्फ की कूलिंग रहेगी। भाई ऐसा लगाओ और भाई साहब यहाँ से इसे बंद कर दो, हवा गाइस यहीं से लेना है, सिंपल सी बात है। तो भाई ऊपर को देगा आपको और भाई साहब आउटपुट मिलेगा बिल्कुल मस्त कंटाच। तो चले भाई साहब लगाते हैं। मैंने कहा इसके नीचे का सोल्यूशन कर दिया है, वो हिल रहा था ना ये, अब ठीक है। तो भाई साहब मस्त। देखो फ्रेंड्स भाई देखो आपके तरफ है देखो हवा, तो प्लीज दोस्तों बताइए ठंड लग रही नहीं लग रही। देखो हवा गाइस बहुत ही धांस हुए, मैं आपको टेस्ट कराता हूँ। ऐसा ना गाइस पहला फर्ज आपका है, हवा बहुत मस्त है बॉस, बेहतरीन। तो भाई मस्त है, इसकी आप स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो, शॉप पर बैठे हो, किचन में काम कर रहे हो, और गर्मी लग रही नहा रहे हो, इसे लगा लो, नहाते में बहुत अच्छा काम करता है, काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा देता। और भाई साहब ये अब और भी ज़्यादा ठंडी हवा दे रहा है बर्फ़ डालने के बाद, और भाई इसमें बर्फ़ इतनी जल्दी खर्च नहीं होगा, और पानी अगर बनेगा बर्फ़ का तो वो ट्रैक के अंदर ही रहेगा। और भाई 15 मिनट बाद अगर मैं आपको उसकी कंडीशन कहूँ बर्फ़ की कैसी है, वाह क्या कंडीशन है, अभी गाइस बर्फ ही है क्योंकि वैसे यहाँ पर एसी चल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कूलिंग ज्यादा है। तो गाइस आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा होगा। कुछ नहीं है प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और भाई साहब जरूर बताएं इसकी हवा कैसे लगी और गाइस का डिजाइन कैसे लगा। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।